In this video, we are going to talk about a new topic, that is the sex determination in man. Earlier, we have talked about sex determination in other organisms like butterflies, moths. So now, in this video, we will be seeing ki ye sex determination humans mein kaise hota hai. A human male has an X chromosome and a Y chromosome. Do type hai beta, X chromosome or Y chromosome. Theek hai? And the remaining 22 pairs are autosomes, jisko humne symbol liya tha AA, capital. Theek hai? तो 22 पेयर्स तो हमारे पास में ऑटोसोम्स है जो कि कॉमन होंगे मेल और फीमेल में, बट कुछ ऐसे क्रोमोसोम है वन पेयर डिफरेंट होगा. इफ इट इज एक्स एक्स देन इट विल बी फीमेल एंड इफ इट इज एक्स वाई देन इट विल बी मेल. ओके, मेकिंग अ टोटल ऑफ 46, क्योंकि बेटा यहाँ पे पेयर की बात कर रहे हैं. जब आप 23 पेयर लोगे देन इट विल बिकम 46. The females having a pair of X chromosomes and 22 pairs of autosome. ठीक है, female में क्या होता है, pair of X chromosome, 2 X chromosomes will be there along with 22 pairs of autosomes and again making a total of 46. 22 plus 2. ठीक है, sorry, 22 के आगे आप एक pair और जोड़ोगे, then it will become 23 and when you will be considering it as a single, then it will be 46. ठीक है. द सेक्स क्रोमोजोम सेग्रीगेट एट मियोसिस. ये जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो कब अलग अलग होते हैं, मियोसिस के दौरान पे. ठीक है, जस्ट एज द अदर क्रोमोजोम डू, जैसे कि बाकी क्रोमोजोम्स अलग होते हैं. सो दिस मीन्स दैट ईच स्पर्म सेल विल रिसीव ओनली वन सेक्स क्रोमोजोम. तो ऐसे क्या होगा बेटा, जो स्पर्म सेल होगा, जो उसका स्पर्म सेल आपका जो जर्म सेल होगा उसमें सिर्फ एक सेक्स क्रोमोजोम आएगा. ठीक है, hence at the time of spermatogenesis there will be two type of sperms. दो तरीके के sperms बनेंगे, X type और Y type. ठीक है, it will be produced in a equal number. So those containing an X chromosome are considering and other will be Y chromosome. ठीक है, तो X chromosome जिसमें अगर होगा और दूसरे में Y chromosome होगा, तो अगर X वाला X के साथ में फ्यूज करता है फीमेल के, then it will be female. और Y वाला फीमेल के X के साथ में फ्यूज करेगा, then it will be male. ठीक है, each of the egg produced by female will contain X chromosome. बेटा reason ये है क्योंकि जो female में X chromosome है वो सिर्फ एक ही type है, X का pair है, तो वहाँ पे कोई option है ही नहीं है. तो female में जो भी egg बनेगा वो X chromosome लेके ही होगा. Therefore the sex of progeny is determined at the time of fertilizing, fertilization of egg. तो जो sex determination होता है वो depend करता है कि एग जो है वो एक्स से फर्टिलाइज हुआ है या फिर वाई से. एंड इफ द एग इज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म बेयरिंग वाई क्रोमोसोम, अगर वाई क्रोमोसोम मेल के जो स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है, तो वो अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग एग के साथ में फ्यूज करता है तो क्या होगा, मेल चाइल्ड. And the zygote will have an X and Y and will develop male. And if egg is fertilized by an X sperm, X sperm है और ovum तो automatically X ही है, तो क्या होगा, then it will result into the female child. So this is a father, this one is a mother. Father is able to provide two different type of chromosome, X or Y, but this sort of option is not there in case of mother. So when male will be providing the X to the child, then the resultant will be girl, and when the male is going to provide the Y, then the resultant will be boy. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन इन द ह्यूमंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू प्रोसीड इज द सेक्स डिटरमिनेशन इन केस ऑफ प्लांट. सॉरी, बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट वन. गैनेंड्रोमॉर्फ्स, मतलब GYN स्टैंड फॉर द फीमेल, ANDRO स्टैंड फॉर द मेल, मॉर्फ स्टैंड फॉर द मॉर्फोलॉजी. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल और फेमिनिन करेक्टर्स पाए जाए दोनों. फ्यू ड्रोसोफिला इंडिविजुअल्स वर फाउंड टू बी हैविंग हाफ ऑफ द बॉडी एज मेल, ओके, एंड द अदर हाफ एज अ फीमेल. तो बॉडी में दोनों ही चीजें, मेल भी और फीमेल करेक्टर भी, दे आर कॉल्ड गाइनेंड्रोमॉर्फ्स. ठीक है, गाइन क्यों, गाइन फॉर फेमिनिन, एंड्रो एंड्रोशियम से आया तो मैस्कुलाइन, मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजी, ऐसी मॉर्फोलॉजी जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ही करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. थ्री टाइप्स ऑफ गाइनेंडर्स और गाइनेंड्रोमॉर्फ्स कैन बी डिफरेंशिएटेड. पहला है बेटा बाइलेटरल गाइनेंडर्स, हियर द हाफ लेटरल, क्योंकि देखो कैसा नाम है, बाई, बाई मतलब दो, लेटरल मतलब ये साइड्स आपकी, तो हाफ
will be of the female and half will be of the male. You might have heard about that Ardha Narishwar Swarup, ठीक है, आधा नारी का शरीर और आधा पुरुष का शरीर, ठीक है, दैट इज नोन एज बायलेटरल गाइनेंडर्स, ठीक है. नाउ एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे कि नाम पता चल रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर गाइनेंडर्स मतलब आगे का और पीछे का. हियर द एंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल इज ऑफ वन सेक्स, इट मे बी फीमेल इट मे बी मेल, और द पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा बचा होगा वो अपोजिट होगा. अगर आगे का हिस्सा मेल का है तो पीछे का फीमेल का, इफ द एंटीरियर इज ऑफ मेल देन posterior will be of female, ठीक है. Now next is sex fibers. In this case, female fly bears irregularly scattered spots of male tissue. मतलब body में छोटे-छोटे patches होंगे, ठीक है, male tissue के. Morgan and Bridge explained that in Drosophila, zygote developing into female has two X chromosome. इसमें जो female होता है उसमें X chromosome होते हैं दो, ठीक है. Due to the loss of disappearance of one X chromosome, अगर एक X chromosome का loss हो जाता है during cleavage of fertilization, तो जो product बनता है वो बनता है sex piebalds, ठीक है. Next topic पे हम आ जाते हैं. Now see, our next topic which we are going to talk about is the sex determination in plants. हम plants में sex determination देखेंगे कैसे होगा. Animals में देख लिया, humans में देख लिया, now plants. Allen in the year 1940 gave the list of plant species where sex chromosome had been reported. किसने दिया था बेटा? Allen ने दिया था. फिर Westergaard in the year 1950 prepared a list of plant species where the presence of pair of heteromorphic sex chromosomes was well established and also of those where it was not established. तो उसने बताया कि ये जो heteromorphic sex chromosome कहाँ कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे नहीं होते. One of the method of determining heterogametic sex in plant has been studied in plant like cannabis and millennium. If sex ratio in the progenies from sparse versus excess pollen differ, it suggests that male sex is heterogametic. मतलब उसमें अगर ये एक्सेस पॉलन डिफर दिखते हैं, मतलब पॉलन में डिफरेंस दिखता है एक्सेस में, इट सजेस्ट दैट मेल सेक्स इज हेट्रोगैमेटिक, मेल में हेट्रोगैमिटी है. फॉर एग्जांपल इन हेम्प कैनाबिस स्पार्स पॉलिनेशन गिव एक्सेस मेल्स, वाइल इन मिलेंड्रियम स्पार्स पॉलिनेशन गिव एक्सेस फीमेल, ठीक है. इनमें एक्सेस फीमेल दिखाता है और इसमें एक्सेस मेल दिखाता है. सजेस्टिंग दैट द मेल सेक्स इज हेट्रोगैमेटिक इन बोथ द केसेस. तो मेल हेट्रोगैमेटी है, मतलब मेल दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि पॉलन में अलग अलग वैरायटी दिख रही है डिफरेंट. इफ फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, अगर फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, देन स्पार्स पॉलिनेशन शुड गिव मेल एंड द फीमेल इन इक्वल प्रपोर्शन, और अगर फीमेल में है तो वो मेल और फीमेल इक्वल प्रपोर्शन में दिखेगी. देन इन मिलेंड्रियम एल्बम diploids, triploids and tetraploids having different doses of X and Y chromosome. ये जो बेटा आपको heterogamety दिख रही है वो that is all because of the X and Y chromosome. But noticed by Warmick in the year 1946, it was found that plant is male when one or more Y chromosomes are present. अगर एक या एक से ज़्यादा Y chromosome है तो वो male है. And if female in female Y chromosome is absent, simple सी चीज़ है, Y absent होगा, X ही होगा सिर्फ. The number of autosomes did not visibly affect sex expression. जो autosomes है वो sex expression को उतना control नहीं करते हैं. In millennium, Y chromosome is longer than X chromosome. Millennium में क्या होता है बेटा? Y chromosome जो है वो longer है than the X chromosome. And they form the heteromorphic bivalvate meiosis. इस तरीके से क्योंकि X और Y अलग अलग उनके पास available है तो heteromorphic bivalve बनाएंगे meiosis के समय. Okay, so this was all about sex determination in animals and the plants, and our next topic will be different. Okay, thank you.